मैं एडी सोनी नहीं। सारे टिकटॉक चो सोनी ते नेक कुड़ी तू आ। हेलो मरबाने अस्सलाम वालेकुम। तो यार वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई क्रिंज कंटेंट नहीं मिल रहा था। मैंने बोरियत दूर करने के लिए अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिला दी। बातों बातों में थोड़ा रोमांटिक हो गया तो मैंने उसे कह दिया तुम बड़ी प्यारी हो। आगे से मुझे कहती काश तुम भी प्यारे होते तो मैं भी तुम्हें कह सकती। मैंने इसे कह दिया तुम भी मेरी तरह झूठी बोल दो। कब से ट्राई कर रहा हूँ दोबारा फोन ही नहीं उठा रही। खैर उसे छोड़ो डिस्क्लेमर पकड़ो। इसके बाद बकायदा शो का आगाज करते हैं जिसका नाम है This video is only for entertainment purpose. It should not be taken seriously. So please don't hate anyone. अम्मी जी, नाश्ता दियो। उस माँ को ना मांगे जैसे ना सारी रात लगा रही ना। बेबी, नाश्ता। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। इधर उम्मा से नाश्ते कराए जा रहे हैं और इधर एक आम है। हमें जो लड़की पसंद आती है उसका पहले से लड़कों से तबार उठ चुका होता है। किस्मत इतनी खराब है, मैं तो होटल में खाना खा रहा था, एक लड़की आई कहती है आप सिंगल हो, तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो साथ वाली कुर्सी उठा के ले गई। और यहाँ इसे तो नाश्ता मिला ही मिला, बाबा जी को भी नाश्ता मिल गया। अंकल की उम्र देखो और झटका देखो। वैसे बाबा जी ने सही कहा, और साइंस से भी साबित है कि लड़कों की तीन माँ होती हैं, सासू माँ, एक इसकी अपनी माँ और एक वो जिसे वो रात 12 बजे के बाद लगे होते हैं। पूरी टिकटॉक का चैलेंज है, कोई ऐसे करके दिखाए। नहीं भाई तू ही कर, तू तो अभी अभी पागलखाने से छूट के आया। वैसे भी ऐसे चैलेंज कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं बल्कि जानवर भी नहीं कर सकता। हो सकता है अकलमंदी की कोई ना कोई याद हो, लेकिन बेवकूफी की कोई याद नहीं होती। ये मैंने इन्हें देख के अंदाजा लगाया, पीछे बाबा जी भी हैरान होकर लानत भेज रहे हैं। इस तरह का चैलेंज अगर मुझे कोई दे तो मैं ऐसे कहूँ पहले तू कर, तो जब वो कर ले तो मैं चुप करके उसे कहूँ तू जीत गया। ऐसे लोगों से गोबर चैलेंज भी करवा लो तो ये फॉर यू पे आने के लिए वो भी कर गुजरेंगे। अब ये बंदा चाहता है कि ये जो चवल मार है वो सारे मारे, ये बंदा इसे टैलेंट कहता है। अगर इसकी कैटेगरी में ये चैलेंज है ना तो इससे ज्यादा टैलेंटेड बंदा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं। इसको तो कोई ये कह देना गटर में घुस जाए, ये गटर में भी घुस जाए। हरकत इसने भी कुत्तों वाली की है, लेकिन आवाज शेर की लगा दी बैकग्राउंड पे। इंसान भी कितना अजीब है, जानवर को तो गुस्सा करता है और शेर को तो खुश होता है। जिस तरह ये सोफे से उठा मुझे लगा इसके नीचे कोई चीज बैठी है जिसने इसे चक मारा। शुक्र है इस बंदे ने सामने वाले को काट नहीं लिया, वरना इसे 14 टीके तुन्नी में लगने थे। ये खुद को शेर समझता है। मैं तो कहता हूँ इसे एक बार असली शेर के साथ बांध दो, फिर देखते हैं कौन असली शेर है। या अगर ये शेर है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे जंगल या चिड़ियाघर में फेंक के आओ। इसे देख के यकीनन इसका अब्बा ये कहता होगा मैं इसी वजह से इसे कहीं लेके नहीं जाता, इज्जत खराब कर देता मेरी। जितना इसने मुंह खोला ना, यकीन करो मुझे यहाँ तक इसके मुंह की बो आई है। लो जी रंगोरा करने वाला नया नुस्खा आ गया मार्केट में, जिसे लगाने से आपके चेहरे पे नूर आए ना आए, दुनिया जान की लांते जरूर आएंगी। अगर ये भी कल को मिलियन फॉलोअर्स करके कहकर मैं ये स्ट्रगल और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ जैसे सारे कहते हैं, तो मैंने इसे खोते पे बिठा के खोते को पीछे से आग लगा के चला देना है जैसे शुरली चलती है, और खोते का रुख समुंदर की तरफ करके चलाना है ताकि वापिस आके रिस्क जाया ना करे। ये करते कहीं मुर्गी ने देख लिया ना तो उसने अंडे देने बंद कर देने हैं, किस काम के लिए तो नहीं मैं देती। हालांकि इस बंदे को अंडे की नहीं डंडे की जरूरत है, क्योंकि अंडा तो ये खुद है गंदा होना टिकटॉक पे जलील, और 18-18 रुपए के अंडे ऐसे तोड़ रहा है जैसे मुर्गियों के फार्म अब्बे के हों। खैर जो होना था वो हो गया, अंडे जाया होने थे हो गए, लेकिन इस मनूज ने जिस तरह अच्छी तरह सर पे मले है ना, इसके बाल अच्छे हो जाएंगे। इन्हें कहते हैं काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। नहीं
ऐसा करने से तेरे मुंह पे पड़ी लानते क्या साफ हो जाएंगी। इनके माँ बाप का काम भी लगता है इनको पैदा करना ही था, तो मीर सिखाने का काम हमें करना पड़ रहा है। इस ट्यूब से हमारा हफ्ता निकल जाना था। अब देखो यार, टिकटॉक पे ना दो किस्म के लोग हैं, बुरे और बुरे। मजाक कर रहा हूँ, बुरे और अच्छे। अब जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो इन बुरों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इनको ऐसी हरकतें करने से दिनों में फॉलोअर्स मिल जाते हैं और हम कब से लगे हमें नहीं मिलते। अगर ये सारे सुधर जाए तो एक अच्छी चीज मार्केट में देखने को मिले जो ऑर्गेनिक हो, जिससे सबको फायदा और सबका भला हो। टिकटॉक पे ना फॉर यू पेज और फॉलोइंग पेज दो अलग ही दुनिया है। फॉर यू पे जो गंद वाला ट्रेंडिंग पे होता है और फॉलोइंग पे आपकी पसंद की चीजें आती हैं, यानी अच्छी अच्छी चीजें, वो भी अगर आप अच्छे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ मिलता है जो आप फॉलो करते हैं। टिकटॉक बुरा नहीं, ये हथे गलत लोगों के लग गया बस। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां काशिफ समीर। चाचा पाकिस्तानी को आज वजीर आजम बनने की खुशी में ये एक बहुत नायाब मेरे पास बाज है, और ये माशाल्लाह इसकी ये हिस्ट्री है कि ये 41 साल का था जब ये मरा, अब ये स्टफ हो चुका है, तो ये मैं चाचा पाकिस्तानी को गिफ्ट। वीडियो बन गई, चल अब मेरा उकाब वापस कर, यही कहना लड़के ने। और ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये उकाब 41 साल का होके मरा, जैसे ही इसके साथ ही रहते रहे हैं। गाइस ये देखे, मेरी बहन ने मेरे चाक मारा है। कसम से मेरी आंदरा बाहर तो मेरी आंखां बाहर आ गईं। किड्डा वड्डा वज गया ही नहीं। पहले तो तू ये बता, तेरी बहन यहाँ तक पहुंची कैसे चक मारने? शुक्र कर जितनी तेरी सेहत है तेरा मोड़ा नहीं उतर गया। और ये भी शुक्र कर चक तेरे मोड़े पे ही मारा है, मुंह पे नहीं, वरना तेरा पूरा कैरियर तबाह हो जाना था। ऐसे लोग होते हैं जितनी शक्ल से मनहूस होते हैं इतने अंदर से भी होते हैं। मैं तो इनके घर वालों से हैरान हूं कि वो इन जैसों को पाल कैसे लेते हैं। इतनी मेहनत क्यों जाया करते हैं? इतनी मेहनत कहीं और करें तो मनारे पाकिस्तान इनका अपना हो, पहले भी अपना है, मेरा मतलब है कि अपने घर की तरह हो। ऊपर कपड़े सूखने डाले हो, नेरी है तो कपड़ा वहाँ से उड़े और इछरे आके गिरे, और फिर बंदा इस जैसी गंदी औलाद को पीछे कपड़ा उठाने भेजे, और वो भी पैदल। तुसी तमाशा बनाया, मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं कर दे की? मैं वीडियो मारनी है, है? बेटा मुझ चवल जान दे, जल्दी जल्दी मेरी वीडियो वायरल करो। खबरदार फिर कहिंदा बूटा गाला कड़दा। ले उन्ने ते बूटा गाला ना कड़े ते की करे? जिनका मुंह नहीं खुलता था मेरे सामने, वो अब हमें अकड़ दिखाते हैं। बेटा जिनसे तू हाथ मिलाता है ना, वो मेरे पैर दबाते हैं। क्यों तू बीमार है? देखो यार, अट्टे कट्टे पढ़े लिखे लोग भी टिकटॉक का इस्तेमाल बदमाशी करने के लिए कर रहे हैं। बंदा इनका मुंह काला करके खोतों का हार पहन आके जूती पे बैठा के पूरे पिंड की सैर करवाए, ताकि इनको होश आए कि बदमाशी ऑनलाइन ही ऑफलाइन होती है। इनके हाथ कोई गाना लग जाए बस, ये इसे रोल देते हैं। बातें मेक्सिको जाने की करते हैं, और पैसे इनके पास बागड़ियां जाने के लिए नहीं होते। तो यार बस, यार इस वीडियो का ना सारा डाटा डिलीट हो गया था मेरे से, तो बस ये जल्दी में टेंशन में ही बनाई है, अब आप पे ये कैसी जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो, पर एक दिन देखना तुम लोग लाइक करोगे और वीडियो मेरा सीट चलेगा मेरा। अपने दोस्तों का दबा के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सात वाले घंटे को भी दबा दें, उस घंटे को ऑल पे करने से ये होगा कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अच्छा यार, मैं हूँ सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके थैंक यू। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उन्हें अपने बारे में बता दूंगा। एक बार हाथ में आ जाए तो साले को बम से उड़ा दूंगा।